हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, नारायणंद सरोखा महापंचायत जो सोनियादून ने आयोजित की थी, उसका आज मैं अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें खासकर संदीप भारती ने और कुछ एक दो और महानुभाव ने अपने विचार व्यक्त किए थे, और छोटा सा अंश मेरा भी था इसमें। तो आज दिवाली है, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और पिता परमात्मा से यह अपील करता हूँ कि वो आपको लंबे समय तक दीर्घायु बनाएं, और इस दिवाली के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, नारायणंद के उस महापंचायत के अंदर जो कुछ भी संदीप भारती ने और कुछ अन्य महानुभाव ने कहा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे बुजुर्ग दलबीर खरब जी, इस संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ महापंचायत के आयोजक और बड़े लंबे समय से समाज की लड़ाई लड़ रही सतरोड़ खाप की हरियाणा की बेटी सोनिया धवन जी, हरियाणा के दूर दराज से पूछे मेरे परम सम्मानित बुजुर्गो, मात्र शक्ति नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों, सभी को राम। बड़ी लंबी आपकी बात हुई और वो समापन की ओर आपकी बात चली गई है, हमारी बात चली गई है, और बहुत सारे मैंने वक्ताओं से सुना कि बिला गए और बड़ी पंचायत करनी पड़ेगी, लाखों के इकट्ठे करने पड़ेंगे। भाई, एक बार आप बुजुर्ग हैं, अपने चारों ओर एक दूसरे को देख लो, जो मंच पे बैठे एक दूसरे को देखो, आप कौन लोग हो? आप लोग किसी राजनेता की रैली में भाड़े की भीड़ नहीं हो, आप लोग कोई बहकावा दे के कोई आश्वासन दे के बुलाए गए लोग नहीं हो, आप वो लोग हो जो एक आदमी 1000 से भी ज्यादा के बराबर है, आप संघर्षों में तपे हुए लोग हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कभी कि भी 100 लोग मेरे को तपस्वी त्यागी मिल जाएं, तो मैं देश को बदलने की हिम्मत रखता हूं। 100 लोगों के साथ देश को बदलने की बात करते थे, आप लोग तो हजारों की तादाद में यहां पहुंचे हो। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो कि स्वार्थ के लिए आया हो, और जो मुद्दे की बात है किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। गाँव में, गोत्र में, गुहाट में ये लंबी लंबी हमने चर्चा छेड़ दी, उसकी बजाय मैं तो ये सोचता था ये जो प्रयास हमारे परम आदरणीय दलबीर जी ने, सोनिया जी ने आगे बढ़ाया, हमने इसको लेके कई साल पहले एक मुहिम शुरू करी थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, अपने समाज की बातें वहां उठाते थे कि वे हमारा जो कल्चर है वो दुनिया में जाना माना कल्चर है। अगर कोई हरियाणवी अमरीका में बैठा हो तो गर्व करता है कि मैं हरियाणा से, लेकिन उस कल्चर की जो बुनियादी बातें हैं उनको सरकार अपनी कानून की किताब में स्थान क्यों नहीं दे रही? तो हमारा जितने हमारी समझ थी, दौड़ थी, हमने प्रयास कराया, खापों से बात करी, अलग अलग नेताओं से बात करी, किसी ने एक पंचायत करके छोड़ दी, किसी ने दो करके छोड़ दी। 2017 में एक बार हम नजदीक जरूर लगे, वो किसी ने जिक्र नहीं करा, थोड़ा सा करके छोड़ दिया। 2017 में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा की खापों को बुलाया कि मैं हरियाणा का हितैषी मुख्यमंत्री हूं, मैं चाहता हूं कानून बने एक गाँव एक गोत्र गुहांड पे, और आप बता के मेरे को लिख के दो कि कैसे कानून बनाया जा सकता है, वैज्ञानिक उसके तथ्य क्या है, सांस्कृतिक और कल्चरल तथ्य क्या है। अब समस्या ये है, भावना तो हमारे सारे के भीतर बहुत ज्यादा है, लेकिन कानून की किताब में जिस वजह से हमारे एक में फैसले लिखे जाते हैं हम उतना लंबा विचार नहीं करते। तो मनोहर लाल खट्टर ने, सरकार ने जब ये कहा कि तथ्य लाओ, तो तथ्यों को लेके हमारे पास कोई लंबा चौड़ा हमारा रिसर्च नहीं था। जो सरकार ने 2-3 सवाल पूछे कि आप एक गोत्र को चाहते हैं कि गोत्र को आइसोलेटेड करके कानून बनाया जाए, तो गोत्र की पूरी परिभाषा ही नहीं थी। साइंटिफिक जो परिभाषा है हमारे बुजुर्गों ने बताई, ताऊ जी ने, कि ब्लड लाइन को गोत्र कहते हैं, जो उपाधि के नाम पे गोत्र हो या ब्योंक के आधार पे उसको गोत्र नहीं मानते। दूसरी जो बात उन्होंने कई कानूनी पहलू कहा कि भाई गांव की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये जो संस्कृति है अब वो तो ये हरियाणा की है, और हरियाणा में भी जो बागड़ बेल्ट है पंजाब राजस्थान से लगती, उसमें गांव की गांव में गोत्र को छोड़ के ब्याह कर लेते हैं, डाणी की डाणी में भी कर लेते हैं, तो ये हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा के 90-95% की, इसमें भी शहरों की संस्कृति अलग है। शहरों में ये जो आपकी बात है गुहांडवाड़ी गांववाड़ी लागू नहीं होती, गोत्र की बात तो यूनिवर्सल है। तो सरकार ने कानूनी रूप से पूछा कि भी गांव की डेफिनेशन क्या दोगे आप, खास तौर पे ये सवाल इसलिए बड़ा खड़ा हो रहा था कि जो ताजा बने गांव हैं, जैसे कस्बे पहले जो गांव होते थे आज कस्बे बन गए, कल वो बड़े शहर बनते जा रहे हैं, तो उनमें आप इस कल्चर को किस तरीके से लागू करोगे या उनको छोड़ोगे, हमारे पास इसका कोई लॉजिकल मामला नहीं था। तीसरा जो सरकार का सवाल था, ये बागड़ की मैंने बात करी, हमारे नैन साहब थे वो कह के गए हैं बिला ये तो लागू नहीं हो सकता भाई, हमारा बिला 20% हरियाणा इसको गांव की गांव में शादी करता है। तो सरकार ने भी यही बात कही, बोला भाई बागड़ वाला सारा इलाका जब इस बात को नहीं मानता
तो हरियाणा में इस कानून को लागू कैसे कराओगे? आपस में झगड़ा हो जाएगा आपका, आप लोग लागू कराओगे, वोट वाने के लिए आंदोलन कर देंगे। तो इन सारी बातों के ऊपर हमारा कोई निश्चित जवाब सरकार के पास नहीं था, इस वजह से ये कानून बनता बनता ठंडे बस्ते में चला गया। तो निराशा ताशा की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है कि भाई हमारे प्रयासों में कोई बड़ी कमजोरी रही होगी या हमारा मुद्दा गलत होगा। समस्या ये थी कि कानून के तरीके से हम आगे नहीं बढ़े। हमने 2020-21 में प्रयास कराया ढांडा खाप के संयोजन में, उसके बाद और प्रयास हुए। ये जो तीन मुद्दे हैं, हमने सरकार को इनका कानूनी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जवाब तथ्य सहित लिख के दे दिया। हमने बता दिया कि भाई गोत्र की पहचान है ब्लड लाइन से, जो अनुवांशिक रिश्ता है डीएनए का वो गोत्र माना जाता है। शहर की पहचान हमने तय करी कि जिसमें नगर पालिका हो, जो सब डिवीजन बन गया हो, हम उसको शहर मानते हैं। हो सकता है कोई ताजा बना हो तो 2-4 साल बाद हो जाएगा, लेकिन उसमें हमने कहा कि इसको आप छूट दे सकते हैं। और बॉर्डर के इलाकों में हमने कहा, सारे हरियाणा की सरकार ने फैसला कराया कि वह उनको हम इसमें छूट देंगे, हम कोई धक्का जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम गंगा को उल्टा पहाड़ पे चढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जमाना 22वीं सदी में दौड़ रहा है, तो हम धक्का नहीं करेंगे। तो ये इसका कानूनी जो पहलू था वो आज यहाँ तक पहुंचा। और आज जो बात आ गई है, आज बात आ गई वह लागू कैसे होगा, थोड़ी सी आप मेरे को एक मिनट का समय दीजिए, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हो ली। अब तक ये हुई नहीं कि लागू कैसे होगा। भाई दो तरीके हैं, कानूनी तरीका सरकार ने बनाना है और सामाजिक तरीका अपने मेहनत करके बच्चे बच्चों को जगाना है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ सतरोल खाप और हरियाणा की बेटी सोनिया, तो उनका उन्होंने प्रयास कराया। और मैं तो ये चाहता हूँ, और मेरे बहुत सारे नौजवान साथी भी चाहते हैं, और मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ हमारी बुजुर्ग सरदारी से कि ये नौजवानों से जुड़ा मामला है, इसमें नौजवानों की बात को सुना जाए। धक्के जबरदस्ती कोई फैसला कराया जाता है और नौजवान उसका कोई एक तबका विरोध कर देता है, उसको नहीं मानता है, तो लागू नहीं होता है। तो हमारी बहन सोनिया दुवन, जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास कराया है हमारे बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, उसको थोड़ा सा एक फ्री वे दिया जाए उसको फैसला लेने की, क्योंकि हमने पूरा प्रयास कर लिया। ये इसी बड़ी बड़ी पंचायतें हमने जोड़ के देख ली और हमारे से कोई बड़ा कुछ हो नहीं पाया। सच्चाई बात यह है, अब बड़ी बड़ी बातें हम करते रहे, बड़ी पंचायत करेंगे, क्रांति करेंगे, उन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हमने तो अच्छे माड़े सारे कर्मकांड करके देख लिए, लेकिन जी अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, परिवार के 4 आदमियों में से सबकी बराबर की इच्छा नहीं होती किसी काम को करने की, एक आदमी का भीतर में जुनून ज्यादा होता है, तो उस आदमी को ताकत दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उसका सहयोग किया जाना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा अनुरोध है खाप सरदारी से कि सतरोल खाप की बेटी को बुजुर्गों के मार्गदर्शन में इस संबंध में कि सरकार से कानून बनवाने के लिए कैसे जन आंदोलन कराया जाए, कैसे जन जागरण कराया जाए, इस बेटी को मौका दिया जाए। जब इसने यहाँ तक बात ला दी है कि दिल्ली की और पूरे देश की राजनीति करते करते भी समाज के लिए समय निकाल रही है, तो इसकी भावनाओं की कदर की जानी चाहिए। अगर इसको दबाने का प्रयास करोगे आप, तो हौसला टूटेगा, इस बेटी का नहीं टूटेगा, जो इस तरह के और जो नौजवान साथी प्रयास करें उनका हौसला टूटेगा। और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ आप सभी को। मेरी बात को विराम देने से पहले हमारे परम आदरणीय हीरे समान सतरोल खाप के जो सरदार हैं, हमारे बुजुर्ग दलबीर जी का, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों के आगे जिक्र कर लिया था कि जी ऐसी ऐसी पंचायत कराओ, तो हमारे ताऊ जी ने मेरी बात को सुना, हमारी बात को मान दिया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पुनः अनुरोध करता हूँ अपनी बेटी को आशीर्वाद देके, और एक जो परंपरा होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चर्चा जिन पर नहीं करी जा सकती, 20 आदमी कमरे में जाके जो खापों के प्रतिनिधि हैं, आगे का क्या रास्ता हो, इस बेटी को ताकत कैसे दी जाए समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए और समाज की बात को बुलंद करने के लिए। तो आप कमेटी बना के इस बात को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे वो आप सबकी इच्छा है। आप सभी ने मेरी बात को बड़ा ध्यान पूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत सोनिया दुवन आपके बीच रूबरू होगी। जो साथी दाएं बाएं हैं भाई, जहां तक मेरी आवाज सुन रही है वो पंडाल में आ जाए। मंजिल मिले न मिले कोई दम नहीं, मंजिल की जुस्त जो में मेरा कारोबार है, ये शब्द सोनिया के लिए। आज की अध्यक्षता कर रहे शर्म साहब, सभी खापों के महानुभाव और उपस्थित हाजरी इस बात को प्रमाणित करती है कि एक जवंत मुद्दा है, इसे न केवल सुनने के लिए आए हैं बल्कि लागू भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज क्या था लंबा टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ काफी देर से नंबर नहीं पड़ रहा था। मैं गांव मतनेड़ी से पूर्व सरपंच आवासी शहर 40 साल से पत्रकार हूँ और 22-23 साल मैं खाप का संयोजक भी रहा हूँ। पहले खाप मैंने बढ़ाई थी, उसका मैं संस्थापक हूँ। तो बहुत ज्यादा कई एनजीओ भी चलाता हूँ, मानव रक्षक एनजीओ जिनमें से खास है,
तो सोनिया ने जो ये बीड़ा उठाया है हमारी मानोरक्षक एनजीओ भी और मैं हरियाणा प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ उसकी तरफ से भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसमें करेंगे। आपका संदेश अखबार का मैं चीफ एडिटर हूँ, बहुत से मैंने खातों के ऊपर लेख भी लिखे हैं और बहुत सी लड़कियों ने खासकर इसके ऊपर जो सर्च की है हमारी मदद ली है और मेरे अखबार की कटिंग भी उनके पास है। तो इन बातों में 40 साल का अनुभव थोड़ा नहीं होता, 79 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है और छोटा सा पंचायत में लड़ लगा था और जो मामला ये आया है तो खून का और दूध का जो रिश्ता है इसको छोड़कर जो रिश्तेदारियां और बहन बेटी के और अपने नाते बढ़ाने हैं ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हम भुगत पहुंची है। मैं बताना चाहता हूँ कोरोना के अंदर एक कांड हुआ था मनोज बबली का, हमारी आंखों के सामने सारी बातें हुई। यहाँ जो हम प्रताप धनखड़ साथ नहीं आए, अजय सिंघला भी आ रहे हैं, ये हमारे साथ थे सारे उस मामले में और जो दीवाड़ा भी मामला काफी उछड़ा था, कितने गिराव बहुत ज्यादा ऐसे कांड हुए उन सब में हम शामिल हैं। बहुत से मुकदमे दर्ज हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे वो जाट आरक्षण का आंदोलन हो, पत्रकारों मुकदमे दर्ज नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ पत्रकार ही नहीं हूँ, सामाजिक आदमी पहले हूँ, इसलिए सबका भुगत भोगी हूँ और आज समय कम है तो मैं आप इन सब हाजिरी से निवेदन करूंगा कि मैं चौबीसी के अंदर, क्योंकि मैं भी लंबे समय से चौबीसी कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, तो महम चौबीसी के अंदर जो राष्ट्रीय प्रधान जी सामंतप्पा ने कहा तो महम चौबीसी एक ऐतिहासिक चबूतरा है, वहाँ की आवाज दूर तक जाती है और मीडिया भी उसको बखूबी अच्छी तरह से, हालांकि मैं पत्रकार हूँ लेकिन पत्रकारों से कई बातों में सहमत नहीं हूँ। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे समाज के जो रीति रिवाज है उसको पत्रकार नहीं समझते, वो अपने चलाते हैं, हम उनको समझाते हैं तो दूसरी तरफ में उसको ले जाते हैं। तो छोटा केक तो खत्म कर दूं, मैं चौबीसी का चबूतरा सुनाऊंगा मैं सारी बात। आज तो आपका समर्थन है और चहल किया आपकी तरफ से और गाँव मदनहड्डी की तरफ से, हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी आधी रात को 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आ जाओ सर प्रसाद। एरिया से आए हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सरपंच देवानी रोहिना से, हमारे जो प्रधान है भगवान गुणा जी वो आज किसी कारणों से नहीं आ सके, उन्होंने मेरे को भेजा और ये हमारी तरफ से यही सहयोग, अभी जो भी आपका जो फैसला होगा हम हमारी काम आपके साथ खड़ी है, जो भी आपका फैसला होगा हम आपके साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी ने इजाजत दी है से तो ये सब तो ये किसी बात ले रहे हो किसी ने कही कौन है ये कदे 2 मिनट का समय थोड़ा है जी, सारी गति भारी है ना थोड़ी की ना छोरे की 15 साल पहला फोन की जेब में दे सबकी छोरी बढ़िया कर दी और सबके छोरे 15 साल पहला बता दो किसकी बात थी। ये फोन दे के सत्यानाश साहब कर रहे हैं, मैंने फोन ले लिया जो थाना भी बोलिया थोड़ा सी कहता उसके अंदर दोबारा रिपोर्ट कर देता हूँ, सारी गड़बड़ हमने कर रखी है, छोरे छोरे आदमी फोन दे दिए और ये फोन पर बतलाएं जब अपनी गाड़ में कोई दोबर छोरा जाता ना दूसरी गाड़ का क्या ताया था बच्चों शर्मंदा को लिया था आप सोचे हुए छोरी पन्ना बात करें जाए क्या कहना की भाई नौकरी वाला के पास छोरी पन्ना भी छोरी पेटी को छोरे या सारी गड़बड़ अरे बात छोड़ दी मैंने फोन ले लिया चढ़ा नहीं है बीच में वो पटेल दबे गया उसके अंदर ऐसे दिक्कत बातें हैं छोरा भी देखता है वो छोरी भी देखती है। मैं तो ये कहता हूँ हाथ खड़े करके सारे नुक जो छोरी नौकरी तो कर ला धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। ये जो ये सेंटेंस पर बैठे थोड़ा शोर कम करो, पढ़ाई वो पढ़ ले, जो साथी दाएं बाएं है वो एक बार इस साइड आ जाओ दिखा देने अपने आप को। सत्रो आपके प्रधान श्री गंभीर जी अपनी बात रखेंगे, आए हुए जो खापों के प्रतिनिधि हैं उनका धन्यवाद करेंगे, उसके बाद आपकी बेटी सोनिया दुमन जो इस पंचायत में मुख्य भूमिका निभा रही है वो अपनी बात रखेगी। मैं भाई आरोप तक के स्टेज संचालन की जिम्मेवारी दी, कोई बड़ा मौका भी नहीं मिला है,
अगर किसी कारण से इतनी बड़ी पंचायत में कोई गलती हुई हो तो मैं मास्टर सतवीर सिंह सबसे माफी मांगूंगा। धन्यवाद।